हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, गेम थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर द गेम गिवन इज द वैल्यू, इज मतलब ये गेम है अपने पास, उसकी गेम वैल्यू देनी है। तो गेम वैल्यू फ्रेंड्स इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सैडल पॉइंट निकालते हैं। इसके सैडल पॉइंट निकालने के लिए इनका मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम इसका क्या है, 2। इसका मिनिमम क्या है, -5। अब इसका देखते हैं, इस मिनिमम जो ये मिनिमम आया, मिनिमम 2 एंड मिनिमम 5 में हमें मैक्सिमम देखना है, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम देखना है शुरू में, तो मैक्सिमम इसका रैम कॉलम में, सॉरी फ्रेंड्स कॉलम में, इसमें मैक्सिमम देखना है तो ये 2 रहा। इसमें देखना है हमें कॉलम में मैक्सिमम, तो ये रहा हमारे पास 5। अब मैक्सिमम में मिनिमम देखना है, तो मैक्सिमम में मिनिमम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे हम जैसे जो आए थे हमारे पास मिनिमम आए थे वो आए थे 2 एंड -5, तो उसमें मैक्सिमम देखना होता है 2। तो फिर 2 जो है वो इसका सैडल पॉइंट है, तो 2 ही गेम वैल्यू है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इन द गेम गिवन इज द सैडल पॉइंट, अब इसके सैडल पॉइंट निकालने, तो सिंपली इसमें हमें मिनिमम देखना होता है -4, इसमें देखना होता है -3, इसमें मिनिमम है -5। तो इसमें मिनिमम का मैक्सिमम देखना होता है। इन मिनिमम का मैक्सिमम क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास -3 जो है मैक्सिमम है, तो -3 का सैडल पॉइंट होगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि और ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। और यहाँ पे जो मिनिमम मैक्स मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें कोई ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इसके इस क्वेश्चन के करस्पॉन्ड अकॉर्डिंग एक एग्जिस्ट करना है, तो एक एग्जिस्ट जो करेगा वो -3 होगा, तो -3 हो गया हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। अ कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन इज नोन एज, अ कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन किस तरह से, किस नाम से जाना जाता है, ये फ्रेंड है फ्रेंड नाम से जाना जाता है गेम। अब 21 देखते हैं, 21 है अपने पास, वन ऑफ द एज्यूम्शन इन द गेम थ्योरी इज, गेम थ्योरी में एज्यूम्शन करना पड़ता है वो क्या है, लूजर एक्ट इंटेलिजेंटली, ये हमारे पास इसमें एज्यूम्शन है। और जो एजुकेशन नहीं है वो है ऑल प्लेयर एक्ट रैशनली इंटेलिजेंसी, नहीं ये हमारे पास एजुकेशन नहीं है। ऑल विनर एलोन एक्ट रोटेशनली, ये भी नहीं है। इस तरह बोथ द प्लेयर बिलीव इन लक, ये भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स। आप प्ले प्लेयर वैन, कोई भी गेम कब खेला जाता है, तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है वो है अपने पास, ईच प्लेयर चूज वन ऑफ हिज कोर्स ऑफ एक्शन सिमिलरली। उसके बाद आता है 23, द लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विद ईच प्लेयर इज, उसे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अपने पास, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी विद ईच प्लेयर नीड नॉट बी सेम। क्वेश्चन नंबर 24 आता है वो अपने पास, अ गेम इन्वॉल्विंग एन person in is known as n person game, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर इज पब्लिश्ड बाय, ये जॉन वॉन न्यूमन एंड मॉर्जेस्टर्न। उसके बाद आता है इन द मैट्रिक्स ऑफ गेम गिवन बिलो इज नेगेटिव एंट्रीज आर, जो इसमें नेगेटिव एंट्री क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, इन द मैट्रिक्स ऑफ गेम गिवन बिलो द नेगेटिव एंट्रीज आर पेमेंट फ्रॉम ए टू बी, नेगेटिव एंट्री ये है तो पेमेंट फ्रॉम ए टू बी नहीं होगा, पेमेंट क्योंकि यहाँ इसके लिए लॉस हो रहा है फ्रेंड्स, तो पेमेंट फ्रॉम ए टू बी होगा, क्योंकि ये के लिए लॉस है, यानी ए अपना कुछ खो रहा है, वो वन खो रहा है, वो बी को पेमेंट कर रहा है, तो ये होगा पेमेंट फ्रॉम ए टू बी, से करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।